दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दुबई में बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट कौन सा बनाना है, सोल एस्टेब्लिशमेंट अगर एक पार्टनर के साथ हैं या दो पार्टनर्स हैं या दो से ज़ायद हैं तो आपको LLC कंपनी बनाना चाहिए, या आपके पास एक और ऑप्शन होती है सिविल कंपनी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम LLC कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमेशा तमाम पार्टनर्स की पासपोर्ट कॉपी और उनके वीज़ा कॉपी। जबकि याद रखिए लाइसेंस बनाने के लिए, खासो खास LLC लाइसेंस बनाने के लिए जो लोकल है, लोकल का 51% इसमें शेयर होगा, जबकि आपका जो एक्सपैट होते हैं उनका 49% शेयर होता है। यानी इस बात को यूँ समझिए कि 51% लोकल का एक तरफ हो गया, 49% टोटल आपके पास है, जिसके अंदर से अगर आप दो पार्टनर हैं तो 25% एक पार्टनर के पास गया और 24% एक पार्टनर के पास गया। इस तरह आपका 49% बन जाता है। अगर आप इससे इस दो से ज़्यादा पार्टनर हैं तो आपको इन्हीं शेयर्स को स्प्लिट करना है, यानी आपके पास टोटल 49% है जिसको आपने स्प्लिट करना है तीन लोगों पर। तो आपको इस यहाँ पर इस बात को भी ज़रूर समझ लेना चाहिए कि दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है कि आप दो पार्टनर हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, आप कितने पार्टनर हैं, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है, आप पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम आएगा जब भी आप इमिग्रेशन में वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ये इस बात को ध्यान में रखिए कि इमिग्रेशन से हो सकता है आपको दो से ज़्यादा वीज़ा, पार्टनर वीज़ा इशू ना हो, इसलिए इस बात को रिकन्फर्म कर लें, अश्योर कर लें कि तीसरे पार्टनर को वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है। या इसका एक और हल भी है कि अगर आप लाइसेंस में पार्टनर हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी मुमकिन है, ऐसा किया जा सकता है, इसका इसके कुछ तरीक़ेकार मौजूद हैं। तो दोस्तों इससे अगला स्टेप जो है, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन अपने पास तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, उसके बाद इनिशियल अप्रूवल बनेगा। इनिशियल अप्रूवल के बाद आपको कंपनी नेम रजिस्ट्रेशन करना है। कंपनी नेम रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ये सोचना है कि कंपनी का नाम आपको क्या रखना है। और दुबई में याद रखिए कंपनी का नाम रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लाखों के हिसाब से कंपनीज रजिस्टर हैं और कंपनी का अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नाम लेना कदरे मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपके पास नामों की ऑप्शन ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको जल्दी आप सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर एक नहीं मिलता, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपके लिए जल्दी आप अपना जो नेम रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शन को देख सकेंगे, नहीं तो आप चक्कर लगाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे ये है या नहीं है, तो उसमें काफ़ी वक्त ज़ाया चला जाएगा। तो अगला स्टेप इसके बाद क्या होगा, कंपनी का मेमोरेंडम। कंपनी का मेमोरेंडम अब नए कानून के मुताबिक आपको कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के अंदर ही आपका कंपनी का मेमोरेंडम बन जाता है और वहीं से ही आपको इशू हो जाएगा, इसके लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप, आपके पास ऑफिस इजारी, ऑफिस टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। याद रखिए दुबई में लाइसेंस कोई भी हो इसके लिए आपके पास ऑफिस होना ज़रूरी है, अगर ऑफिस नहीं है तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इजारी अपना कॉन्ट्रैक्ट, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसकी सबमिशन करते हैं और सबमिशन होने के बाद आपको पेमेंट वाउचर इशू कर दिया जाता है दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की तरफ से। जब भी आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में पेमेंट वाउचर जमा करवाएंगे, जमा होने के बाद आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो उस लाइसेंस के बाद अगले स्टेप्स, यानी आपको इमिग्रेशन कार्ड बनाना है और उसके बाद आपको पार्टनर वीज़ाज और दूसरे वीज़ाज को अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मुख्तसरन दुबई LLC कंपनी फॉर्मेशन का एक सादा सा तरीक़ेकार बता दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर मेरी कोशिश यही रही कि आपको मैं LLC कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बता सकूँ। तो आप मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दूसरे वीडियोस देखते रहिए। शुक्रिया।